अज तक जिन्ने विरोध होए आ पगड़ी सवाल जट्टा तो लैके अंग्रेजा नूं नहीं छड्या ते थोड़ी की औकात है जिनके मत से बनती है सरकारें आज वो सड़कों पे दर बदर भटक रहे बेचारे कत्ल हो रहे बेचारे कत्ल सरकार कत्ल सरकार कत्ल सरकार कत्ल सरकार अहंकारी सरकार अहंकारी सरकार। यूपी में किसानों की बाबरता से हुई हत्या का मामला केंद्र सरकार पर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू राजभवन के सामने अपने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। पुलिस ने लिया हिरासत में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ में राजभवन के सामने धरने पर बैठकर अपने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनके साथ पंजाब कांग्रेस के कई विधायक और पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बलविंदर ढिल्लो भी मौजूद रहे। मामला बढ़ता देख पुलिस ने सिद्धू समेत सभी को हिरासत में ले लिया है। सिद्धू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के भड़काऊ बयान और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी समेत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलन क्या इस बना पे अरेस्ट किया है कि जिन्होंने बेरहमी से किसान भाइयों का कत्ल किया उनकी अरेस्ट की मांग की, इसलिए अरेस्ट किया है? ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं किसान भाइयों के हक की आवाज, सच की आवाज बुलंद करूं। क्या इसलिए अरेस्ट किया है कि खट्टर साहब की अहंकार की भू वाली स्टेटमेंट के खिलाफ आवाज उठाइए? क्या वो देशद्रोही नहीं है कि 60% किसानों के ऊपर वो अपनी अहंकारी सोच जमा रहे हैं? क्या ये अहंकार नहीं है कि आप हमारी जनरल सेक्रेटरी हमारी लीडर प्रियंका जी के साथ बदसलूकी करें? क्या इस चीज का विरोध करना कानून के खिलाफ है? इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। धरना दे रहे नेता किसानों की हत्याओं के आरोप में केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बता दें कि किसान नेता का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसान पर गाड़ी चढ़ाई जिससे 4 किसानों की मौत हो गई, साथ ही साथ कई किसान घायल भी हो गए। दरअसल लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे उन्हें रिसीव करने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान किसानों ने रास्ता रोक लिया और काले झंडे दिखाए। झड़प के दौरान गाड़ी के चक्कर से किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने भारी हंगामा किया है। 60% लोग उन्हां दे उत्ते एक दो बंदियां दा वर्चस्व क्यों होवे? उन्हां दे उत्ते वित्ती राज एक दो कारपोरेटां दा क्यों होवे? उन्हां नूं कानून च जाण दे अधिकार क्यों ना मिलन? इस करके छाती ठोक के कहने के जब तक रगां च लहू है जिसम च जान है एक काले कानून पंजाब च लागू नहीं होण देंगे। पंजाब दा माहौल खत्म खराब करन ते आ गई। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे किसानां नूं लाठियां दा भराई दित्तियां सी, हुण कतल करन ते आ गई। की कसूर है? शेम शेम शेम। संविधान दे संविधान के मौलिक अधिकार ने पीसफुल प्रोटेस्ट सत्याग्रह नूं बदनाम करने की कोशिश की थी। पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। पंजाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की थी। तानाशाही नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।